अपा मुझे पढ़ना है, MBA करना है, इंजीनियरिंग तक सब खत्म। अब तुम्हारा शादी फिक्स किया, वो गोविंद राजन का बेटा यूएस से आता तुम्हारे लिए, उसे शादी फिक्स किया मैं। अपा मुझे शादी नहीं करनी है, पढ़ना है। अरे करने दो ना MBA उसको, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, और MBA करने से प्रोस्पेक्टिव अच्छा हो जाएगा। ये तो गोविंद राजन का बेटा बैठा रहेगा इसके लिए। इनफ पापा, मुझे आपका ये गोविंद राजन का कोई स्टोरी नहीं सुनना है। आई एम फेड अप, मेरा MBA नहीं हुआ ना तो ए, तो तुम क्या करेगा? तो आई विल किल माय सेल्फ। अयो क्या बोल रहे हो, करने दीजिए ना MBA। अच्छा तुम किधर से करेगी MBA? बताती हूँ, इसमें सही रहेगा। What nonsense? पुणे? तो what's wrong with पुणे? अरे अपने यहाँ चेन्नई में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढो ना, इतना दूर पुणे क्यों जाने का? अप्पा लोग ऑस्ट्रेलिया यूएस जाते हैं, आपको मेरा पुणे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। पर देखो वहाँ कोई क्राइसिस हो गया, इशू हो गया, तुम कैसे मैनेज करेगा, वो भी अकेले। अप्पा ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, पुणे इज अ सिटी, जंगल नहीं है। बेटा तो सब अच्छे से मैनेज कर लेगी ना? हाँ माँ, जैसे सब लोग मैनेज करते हैं मैं भी मैनेज कर लूंगी, मैंने सब देख लिया है। पर तुम उधर रहेगा किधर? पीजी। किसका फोन था? किसी का नहीं, फ्रेंड थी। अब तो खुश है ना, तो हो गया एडमिशन तेरा। I'm so happy, ma. वो सब तो ठीक, अब रहने का किधर कुछ सोचा? 3-4 ब्रोकर से बात हुई है, लेकिन सब जगह फुल चल रहा है, वो एडमिशन सीजन है ना इसलिए। अरे तुझे इधर के ब्रोकर का नंबर किधर से मिला? हम्मा ऑनलाइन और कहाँ से। हेलो हाँ पीजी, हाँ पीजी अकोमोडेशन, कहाँ? गोखले मार्ग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम पहुंचते हैं। ओके अम्मा, ब्रोकर का फोन था, एक पीजी अकोमोडेशन मिला है, ओनली फॉर गर्ल्स। चलो अच्छा हो गया। अब ठीक है चलो, होटल से लगेज लेने का है। चलो चलो चलो। देखो यहाँ जो कुछ होगा वो नियम से होगा, टाइम पर कॉलेज जाने का हाँ, और टाइम पर वापस आने का, देर रात तक इधर उधर ना को। हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो टाइम से घर पर आ जाएगी। जो डिपॉजिट दिया वो लीज खत्म होने के बाद मिलेगा, पहले नहीं। एडवांस दिया वो बीच में कैंसिल नहीं होगा। जो कागज पत्री तैयार किया, फाइनल किया 2 साल का लीज, समझ ले। ये मेरी बहू और वो मेरा बेटा, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जी इस रूम में 2 लड़की और रहते हैं, वीना और बिनी, अभी कॉलेज में गए हैं। मेरी बेटी वेजिटेरियन है और ये पंजाबी लोग तो मांस मच्छी खाते हैं। अबे नया मुसीबत, पंजाबी और मटन चिकन कैसे चलेगा सब ये? नहीं नहीं वो फिकर मत करो, यहाँ मटन चिकन कुछ नहीं बनता है, हम वेजिटेरियन हैं, यहाँ हम जो बनाते हैं ना वो ही खाते हैं, आप फिकर मत करो। अपना ख्याल रखना और बाहर का कुछ मत खाना और झगड़ा मत करना। अप्पा अपना ख्याल रखने का है, जा तू। हेलो मैं पहुंच गई। कौन है तू और इस रूम में क्या कर रही है? हाय आई एम मालिनी रघुराम, तुम्हारी नई रूममेट। वो सब तो ठीक है,
पर इस कबर्ड को किससे पूछकर हाथ लगाया? और ये जो तेरा बोरिया बिस्तर है किससे पूछ के रखा? यार बिनी, जस्ट टेक अ चिल पिल। देख, तू जो भी है एक बात ध्यान से सुन ले, ये ऊपर वाला पोर्शन मेरा है और नीचे वाला इसका, और वो कबर्ड लॉक रहता है। अब तू देख ले तुझे अपने कपड़े कहाँ रखने हैं, चाहे तो सूटकेस में ही पड़े रहने दे। और हाँ, ये जो तेरे देवी देवता है ना, अपनी साइड में रखना। इस रूम में दो बेड है तो हमारे बेड की तरफ देखना भी मत, जो मिला है ना वहीं पे रहना, समझी? या मलयालम में समझाऊं? मैं तमिल हूँ, मलयालम नहीं। तू जो भी है, बात तेरे पल्ले पड़ी कि नहीं? गुड। अब ये नई आई है, अब शांति के साथ रहने का? हाँ? क्यों ताई, इसका नाम शांति है क्या? चुप, मस्करी बंद, चुपचाप खाना खा लो। सुनो बेटा, बेडरूम का मेन नल बंद रखने का। म्युनिसिपैलिटी का पानी सुबह 5 बजे आता है, रात में नल बंद रखा करो। हाँ ताई, मेरा हो गया। अरे क्या हो गया, सब तो ऐसा ही है खाना थाली में। आज मन नहीं है ताई, मेरा भी हो गया। अरे अरे, ये दोनों लड़की रोज रोज खाना वेस्ट करते, ये क्या तरीका है? ये अभी का जनरेशन भी ना खाने का कदर, ना पैसे का, ना इज्जत, एकदम जंगली। थैंक यू। आगे लाइफ में क्या करने का सोचा है तुमने? जी, मैनेजमेंट। गुड। गुड नाइट। गुड नाइट। ये जल्दी आना। क्या है ना, हमें वो घास फूस बिल्कुल पसंद नहीं। एक्चुअली वी आर प्योरली नॉन वेजिटेरियन। बट दिस इज रॉन्ग, ताई को बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं भी नॉन वेज नहीं खाती हूँ। ओहो, वेरी गुड। अब एक और ना वेरी गुड वाला काम कर, अपनी ये चोच ना बंद कर। अब बुड्ढे बुढ़िया को जाके चुगली की ना, तो तेरी मैं बैंड बजा दूँ। Got it? Got it? ये गलत है। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगी क्या गलत है? सीधी खड़ी रह। क्या बात है बच्चों, सब ठीक? हाँ सब। ताई, मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। अरे ऐसे क्या है, दोनों लड़कियां डिनर के लिए ना बोलती तो मैं इतना खाना नहीं बनाती। और आज मैंने भी राजमा बनाया था स्पेशली उनके लिए। सच में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, All fine. अरे जल्दी आना। आप
बैठ। ये मस्ती मजाक ना दोस्तों के बीच में चलता ही रहता है। तू अपना गुस्सा थूक दे और देख हम क्या मस्त आइटम लाए, टेस्टी आइटम। नहीं नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाती। हाँ तो किसने कहा कि ये नॉनवेज है, हम वेज ही लेकर आए हैं। सब कुछ तेरे ही सोच कर लेकर आए थे। देखना मलाई कोफ्ता, मटर पनीर और दाल फ्राई। फिर ताई को तो बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, she does not like। अरे ताई को तो तू छोड़, ताई तो सटी आ गई है। तू ये ट्राई करके देख, बहुत यम्मी फूड है। और अगर तूने नहीं खाया ना तो हम दोनों को लगेगा कि तूने हमें माफ नहीं किया, राइट वीना? करेक्ट। हाँ थोड़ा सा खा। कैसा लगा तुझे मलाई कोफ्ता पंजाबी स्टाइल में? इसमें चिकन नहीं है, मटन है। मटन मलाई कोफ्ता। क्या हो गया मैडम? वो एक दूसरा पीजी दिलाओ ना प्लीज। अरे ऐसे घड़ी घड़ी नहीं मिलते यहाँ पे पीजी। और चितले सबको क्या बोलेगा, अपना तो एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अरे वो नहीं मानेंगे मैडम। मैडम क्या प्रॉब्लम क्या है आपको उधर पे? वो रूम बहुत छोटा है। देखिए मैडम यहाँ पे तो ऐसे रूम मिलेंगे। मैडम अभी आपके लिए नया रूम देखने का तो फिर माँ बाप को आपके चेन्नई से बुलाना पड़ेगा, फिर नया रूम देखने का। मैडम देखो अभी फिलहाल तुम इधर ही एडजस्ट कर लो। आपको बूढ़ा बूढ़ी कुछ तकलीफ दे रहे क्या? मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं 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 नो थैंक्स। तो ठीक है मैडम आप जरा एडजस्ट कीजिएगा, कुछ लगेगा तो मुझे बोलो। ओके थैंक यू। हेलो तबीयत ठीक तुम्हारा? आर यू फाइन? हाँ पापा आई एम ओके फाइन। पर बेटा तुम्हारा साउंड फाइन नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं उधर आऊँ पूना? नहीं 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 आपा आई एम ओके। अच्छा आपा कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, बाद में कॉल करती हूँ, अम्मा से शाम को बात करूँगी। ओके। बच्चे जिद करते हैं, माता पिता मान जाते हैं। यूं कहिए कि ये पेरेंट्स का सौभाग्य होगा कि बच्चों की जिद किसी जायज चीज के लिए हो, नाजायज नहीं। मालिनी इंजीनियरिंग करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, MBA करना चाहती थी, और किसी भी लिहाज से उसका ऐसा चाहना गलत नहीं था। तो फिर क्या कारण था कि मालिनी के माता पिता, खासकर उसके पिता, इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थे, मानो निरंतर उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हो? क्या मालिनी का चेन्नई से दूर जाना, एक अनजान शहर में पढ़ना इसकी वजह थी, या फिर मालिनी का पुणे में पढ़ने के प्रति जरूरत से ज्यादा उत्साह उसके पिता को डरा रहा था? कहीं वो मालिनी के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर परेशान तो नहीं थे? मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। ये लड़की तेरे घर में मरी है और तू नहीं जानता ये कौन है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पीजी हूँ, सुबह घर से कॉलेज के लिए निकला था, चाबी डोरमैट के नीचे छोड़ दी थी मेट के लिए। और किसको मालूम है मैट के नीचे चाबी रहती है तेरे घर की? साहब सिर्फ मैं और मेरी मेट। तेरी मेट का नंबर दे चल। नहीं साहब मैंने इस लड़की को इधर कभी नहीं देखा। सुबह काम पे कितने बजे आई तू? 9 बजे। आज भैया घर पे ही थे, मैं अपना काम करके निकल गई। सर किसी अप्पा का फोन है, ले लो। हेलो पुणे से सब इंस्पेक्टर विकास शिंदे बोल रहा हूँ, आप कौन? रघुराम। क्या आप मालिनी के पिता हो? बुलाओ उसे। देखिए आप तुरंत पुणे चले आइए, आपके बेटी के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। शिंदे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, लड़की के हाथ में ब्लेड है, दिखता ऐसा है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन यह हत्या भी हो सकती है। सर ये लड़का उसकी बातों से वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
वो कहता है उसने कभी उस लड़की को देखा नहीं, जानता नहीं, तो ये यहाँ आके कैसे मरी? सर, ये उस लड़की का फ़ोन है। एक ही नंबर से इस मोबाइल पर कई बार फ़ोन आया भी है और किया भी गया है। अभी स्विच ऑफ है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और वो लड़का उस वक्त कॉलेज गया था या नहीं ये कन्फर्म करो। ओके सर। सर सर, मैंने पता किया है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शरद मोरे कॉलेज में ही था। पर घटना के समय लड़का लड़की के साथ था या नहीं इसे कुछ क्लियर नहीं होता। लड़की के पेरेंट्स? सर, उन्होंने चेन्नई से फ्लाइट पकड़ लिए, बस पहुंचते ही होंगे। कल ही फोन आया था उसका। 1 लाख? बेटा इतना सारा पैसा क्यों चाहिए तुमको? एक कोर्स के लिए, आपा मैनेजमेंट प्रोग्राम में है। अच्छा बेटा, मैं करता, पर बेटा अमाउंट बहुत बड़ा है तो अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, और आज ही मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला था पैसा। और अच्छा, वो लड़का शरद मोरे, आप जानते हैं उसे? कौन? ये है शरद मोरे। नहीं सर, नहीं जानता इसको, ना ही हमारा बेटी ने कभी बोला इसके बारे में। फिलहाल तो ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अच्छा, मालिनी का ऐसा कोई इश्यू था कि वो आत्महत्या करे? हमारा बेटी ऐसा नहीं था साहब, वो आत्महत्या नहीं कर सकता, बड़ा हिम्मत वाला था वो। देखो ना, इतना हिम्मत वाला था कि चेन्नई से पुणे आ गया यहाँ रहने के लिए। वो तो यहाँ मैं पीजी रख के गया था उसको। पीजी? जी, यही गोखले रोड पे, वो चितले के घर पे। क्या मालूम इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, पर इस रूम के लड़के लोगों के साथ हमेशा झिकझिक होती थी। या इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और तंग आके उस लड़के ने आत्महत्या कर ली? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था सर। देखो, कायदे से उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में तुम दोनों को हवालात में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस वारदात के बारे में और भी कुछ चीजों का पता लगाना है, इसलिए जब तक तहकीकात जारी है तुम दोनों ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती। ओके सर। सर सर सर, ये लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, लड़की की मौत ज्यादा खून बहने से हुई है। इसका मतलब लड़की ने खुद अपने हाथों से कलाई काटी है, क्योंकि दूसरे कोई उंगलियों के निशान नहीं है बॉडी पे। शिंदे, यहाँ भी कोई खास सुराग नहीं मिला। मालिनी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स ही इस गुत्थी की इम्पोर्टेंट कड़ी है, वो जल्द से जल्द निकलवाओ। सर सर, वो मोबाइल जिस पर मालिनी ने कई बार फोन किया भी है और जिससे मालिनी को कई बार फोन आया भी है, वो इनके नाम का है। सर, मी दिवाकर मोरे। सर, वो नंबर औरंगाबाद का है और ये भी औरंगाबाद से ही है। सर, मैंने वो मोबाइल अपने बेटे को यूज़ करने के लिए दिया था, वो यहीं पुणे में ही है। क्या नाम है उसका? शरद मोरे, पढ़ता है, स्टूडेंट है सर। साहब, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। झूठ बोला आपने से। सॉरी सर, मैं जानता था मालिनी को सर, लेकिन सर उसने सुसाइड मेरी वजह से नहीं किया, हम तो बस फ्रेंड बुक में मिले थे, वो चेन्नई में रहती थी तब। अब इधर बिल्कुल मन नहीं लगता, कुछ भी करके पुणे आना है मुझे। व्हाट होम? कैसे आऊं? आई हैव अ प्लान। क्या प्लान? इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं MBA करने उधर आ जाती हूँ। पर इतनी दूर? अरे तुम नहीं चाहते मैं उधर आऊँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस तो मैं आ रही हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ, और वैसे भी
आपा मेरे पीछे पड़े हुए हैं मैरिज को। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, फिर मुझे उनके वाले लड़के से शादी नहीं करनी है। मुझे तो आके बताऊंगी। हेलो, मैं पहुंच गई। अच्छा, अभी अभी पीजी में आई हूँ। अप्पा अम्मा भी चेन्नई वापस चले गए। अच्छा सुनो, मिलने आऊँ अभी? अरे नहीं, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। एक काम करते हैं, कल नहीं, इस वीकेंड पे मिलते हैं। ओके, एनीवेज आई एम सो हैप्पी, जल्दी मिलना। हाँ शरद, तुम दिया ना सरप्राइज, कैसा लगा? हाँ अच्छा। थैंक यू। वेलकम। अच्छा मालिनी, क्या है कि सोसाइटी में बैचलर्स अलाउड नहीं है, मिलना होगा तो मैं खुद आ जाया करूँगा। डोंट वरी शरद, अब नहीं आऊँगी। और वैसे भी अब हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। उसके बाद पीजी में नहीं रहूंगी। हाँ पीजी में उसके साथ दो लड़कियाँ और रहती थी सर, वो बहुत परेशान करती थी उसको। ए, ए आंटी उठ चल। क्या क्या हुआ? जाके बाथरूम में बैठ। बाथरूम में क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है और हम दोनों को टाइम पास करना है। चलो डब। सो डम्बो तेरे सामने टाइम पास करेंगे क्या? कि ये सब क्या है? चुप कर, तुम लोग जल्दी जल्दी निपटाओ, मैं बाहर नजर रखती हूँ। उठिया। अरे अरे उठ भाग। बुढ़े और बुढ़ी को कुछ बताया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, ये बात याद रखना। उसके पीछे में काफी टेंशन चल रही थी, उसने बताया था और अचानक एक रात मालिनी मेरे फ्लैट पे पहुंच गई। शरद क्या हुआ मालिनी? शरद प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ मालिनी, इतनी डरी हुई क्यों? वो क्या हुआ? मेरा किसी ने न्यूड वीडियो निकाला है और वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज तुम कुछ करो। अरे तुम चेन्नई फोन करो ना, अपने पेरेंट्स को बताओ। नहीं नहीं शरद, अपा को अगर फोन कर दिया ना तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज तुम कुछ करो। देख इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और माइंड मत करना, बट ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, तुझे केयरफुल रहना चाहिए था ना। अब किसी ने तेरा न्यूड वीडियो क्यों निकाला मुझे क्या पता, हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तेरा कोई चक्कर हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इस मामले से मेरा कोई मतलब नहीं है। नेट पे लड़की को पटाया और जब वो खुद चली आई तकलीफ में थी तब उसे छोड़ दिया। शरद 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 प्लीज मेरी हेल्प करो, वरना वो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। यार अभी मैं क्या करूं? शरद तुम कुछ तो करो। तुम जाओ यहां से, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेटर होगा तुम अपने पापा को ही फोन करो। शरद शरद मैंने अप्पा को फोन किया है, अब पता नहीं अप्पा पैसे डालेंगे नहीं। देखो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुम जाते हो दरवाजा खींच देना। पर शरद तेरा वो दूसरा सिम कार्ड का है जिससे उसके साथ बात करता था तू? घर में उसकी डेड बॉडी देख के मैं बहुत घबरा गया था सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या, घबराहट में सिम तोड़ दिया अपने। डुअल सिम कार्ड वाला मोबाइल है ना तेरा? जी सर। बहुत शाना बनता है तू, लड़की के बारे में और क्या क्या जानता है, और वो ब्लैकमेलर, उसका कोई नाम वाम बताया मालिनी ने? नाम तो नहीं बताया था उसका। शिंदे
लगता है किसी ने उसका वीडियो निकल कर उसे ब्लैकमेल किया है। और सर वो पेंगेस्ट वाली लड़कियां, उनके भी रंग ढंग कुछ ठीक नहीं है। अच्छा ये सब करती थी तुम यहाँ आके, वो वीडियो क्लिप कहाँ है इसमें? कौन सा वीडियो सर? मैडम के तो झापड़ पड़ेंगे ना, अपने आप निकल आएगा सब। कहाँ है वीडियो क्लिप? सर हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। कितनी बार बोला तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने का, इधर देख इसको, देख इसको संस्कार कहते हैं। जितने छोटे कपड़े उतनी छोटी अकल। तेरे लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट? ये ना पहन के दिखा। ये सब मैं नहीं पहनती। तू क्या, तेरा तो बाप भी पहनेगा। उतार भी ना इसके। चुपचाप ना फोटो क्लिक कर। बिना फोटो की जिसकी, चल फोटो खिंचवा। हंसेगी हम पर। शिंदे घर में सबके मोबाइल चेक करने पड़ेंगे। ओके सर। सर बात क्या है? पता चलेगा। तुम्हारा मोबाइल दिखाओ। क्यों? दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा मेरा मोबाइल। क्यों, क्या है इसमें, क्या छुपा रहे हो? इट्स प्राइवेट एंड पर्सनल। कैसा प्राइवेट? थाने चलो, सब प्राइवेट निकालता हूं। शिंदे गया यार, चल। अरे निकालता हूं। सिर्फ आप ही देखना। वीरेन का वाइफ का वीडियो है। सर घर वालों के किसी के मोबाइल में वो वीडियो नहीं मिला, फिर वो वीडियो निकाला किसने? एक काम करो, मालिनी और शरद के हैंडसेट चेक करो। ओके सर। पुलिस के सामने अब एक ही अजीब बात मसले के हल का रास्ता रोक रही थी। मालिनी ने किसी वीडियो क्लिप का जिक्र किया था। पुलिस को तस्वीरें तो मिली थी लेकिन वीडियो क्लिप नहीं। कहाँ है वो वीडियो क्लिप, किसने बनाया था और क्या है उस वीडियो क्लिप में? सर मैंने शरद और मालिनी दोनों के मोबाइल चेक किए, कोई वीडियो नहीं मिला। अजीब केस है ये शिंदे, या एक नहीं बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं। सर मुझे लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है। इस लड़के के चक्कर में मालिनी यहां तक आई पूना में, शायद लड़के ने इस्तेमाल किया होगा, उसका वीडियो भी निकाला होगा, बाद में डम कर दिया होगा, लड़की टेंशन में आई और उसने जान दे दी। या फिर वो लड़कियां बहुत हैरस किया है उन्होंने उसे, या फिर वो वीडियो बनाने वाला लड़का। मेरा किसी ने न्यूड वीडियो निकाला है और वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। शिंदे और एक जगह है जो हमने अब तक नहीं देखी। कौन सी जगह सर? किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी सर, क्लास अटेंड करना फिर लाइब्रेरी, उसके तो फ्रेंड्स भी नहीं थे यहाँ। हाँ एक लड़का आता था उससे मिलने गेट पे। सर वो रहा सीसीटीवी कैमरा। सर ये देखिए, ये 15 तारीख की फुटेज है, और ये देखिए सर ये 16 तारीख की फुटेज है। 16 तारीख को भी ये लड़का मालिनी को मिला था, और सर ये देखिए 17 तारीख को भी ये लड़का मालिनी को मिला था। मतलब जिस दिन लड़की ने आत्महत्या की थी, इस लड़के का फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, यहीं का लोकल ही होगा। ओके सर। सर मालिनी को कॉलेज कैंपस में मिलने वाले उस लड़के का पता चल गया है, राधेश्याम शिरके नाम है उसका, अपने ही एरिया में नवीपेट में उसका कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान है, डीजी कंप्यूटर के नाम से।
पर ये तो बंद है। ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान कब से बंद है? साहब वो परसों से बंद है। 17 सितंबर लड़की मरी, उसको खबर हुई तो दुकान बंद करके फरार हो गया। अलर्ट जारी करो उसका, सब थाने सब नाके। ओके सर। बारे ए रुक रुक ए सर, मैंने कुछ किया सर, लेके गए थे साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। तू दोस्त था उसका? नहीं साहब। तो उसे मिलने कॉलेज के गेट पे क्यों गया था? मैं नहीं गया था साहब। हमारे पास वहां का सीसीटीवी फुटेज है, मालिनी के साथ वाला। साहब मेरी दुकान में एक लैपटॉप आया था रिपेयर के लिए। हाँ, मेरे को फॉर्मेट करने बोला बस। अरे देवा, ये क्या है? साहब फिर एक दिन वो लड़की खुद मेरी दुकान पे आई। फिर मैंने 2-3 दिन उसका पीछा किया साहब, और मुझे पता चला कि वो दामले इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। ए सुन, ये तू ही है ना? ये वीडियो तेरे को चाहिए तो 1,00,000 रुपया लेके आना इधर। कितना? साहब मैं 3 दिन रोज मिला उससे। हुआ क्या 1,00,000 का इंतजाम? देख, मेरे को शाम तक 1,00,000 रुपया चाहिए, नहीं तो करूँ क्या तेरा वीडियो में वायरल? नहीं। फिर एक रोज मेरे को मालूम पड़ा कि लड़की मर गई। मैं डर गया था, मैं दुकान बंद करके भाग गया साहब। इसका मोबाइल देना। ये वीडियो क्लिप जिसमें मिली वो लैपटॉप किसका था? साहब वो विरन कहाँ है? जी ऊपर कमरे में। विरन चितड़े? जी। लैपटॉप तूने दिया था रिपेयरिंग के लिए डीजी कंप्यूटर में? हाँ दिया था। ले जाओ इसको गाड़ी में। क्या हुआ? क्या? लेकिन बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ तो। तुझे मालूम नहीं क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ? ये तेरी हरकत है, अब तू हमें बताएगा कि हम तुझे बताएं? बोल। लेकिन ये वीडियो तो मैंने नहीं निकाला। ये वीडियो उस लैपटॉप में मिला है जो लैपटॉप तूने इसके पास रिपेयरिंग के लिए दिया था। हाँ मैं मानता हूं कि मैंने लैपटॉप दिया था इसे रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो मेरा नहीं था। फिर किसका था? किसका था? अरे विरेन, वो मेरा मोबाइल देखा तुमने?
उम्र देखो अपनी, शर्म करो। पोती के उम्र की थी वो लड़की, तूने मार डाला उसे। हर इंसान की खुद की एक प्राइवेट स्पेस होती है, उसमें दखल दी तूने। अपराध नहीं किया, पाप किया है पाप। शेम ऑन यू। रास्ते अगर कठिन हो तो उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन रास्ते अगर कहीं जाकर खत्म हो जाएं, तो इंसान क्या करे। मालिनी के लिए चेन्नई लौटना कोई विकल्प नहीं था। पुणे वो किसी बड़े लक्ष्य को साथ कर आई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था ये जगह उसके लिए जीते जी नर्क बन जाएगी। आज पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे सामने खुली है। हम जहां चाहें वहां जाकर पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि हर बात हम साफ और स्पष्ट रखें। जहां रहें उत्साह से रहें, पर सतर्क रहें, और कोई भी प्रॉब्लम या चुनौती आने पर अपने पेरेंट्स या बड़ों का सहारा और सुझाव जरूर लें। और आखिर में जिंदगी से कभी मायूस ना हो। ऐसी कोई चुनौती, कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। अगर सब्र, साहस और अक्ल कायम रहे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.